सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे जुबैर साजिद ढिल्लों। जुबैर, बताइएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और 9 मुहर्रम की मुनासबत से क्या इंतजाम देख रहे हैं आप? लाहौर आलमगीर चौक में 9वीं मुहर्रम हराम का लाहौर में छोटे बड़े जुलूस जो है वो बरामद हो चुके हैं, लेकिन मरकजी जुलूस जो है वो पांडो स्ट्रीट से बरामद हुआ तकरीबन 10:30 के करीब। उसके बाद वो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ इसको आलमगीर चौक कहते हैं। मेरा कैमरा मैन दिखाएगा मेरे रकब के मनाजर, ये आलमगीर रोड कहा जाता है। इस आलमगीर सड़क के ऊपर जो है वो टेंटिंग लगाकर एक इंतजाम किए गए हैं, शिदत से भीड़ लगाई गई है। इस आलमगीर रोड के ऊपर जो जुलूस पहुंचकर जो है नमाज जोहरैन अदा करेगा, नमाज जोहरैन के बाद आलमगीर चौक से ये जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ नीली बार से ये फिर आगे बाबा ग्राउंड और सेक्रेटेरिएट से होता हुआ पुरानी अनारकली पहुंचेगा। पुरानी अनारकली से ये जो है खैमा सादात पहुंचकर नमाज मगरबैन के करीब जो है जुलूस तकरीबन इख्तिताम पजीर होगा। अगर हम बात कर लें सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं की मदद से की जा रही है। ये जुलूस की एंट्रेंस का रास्ता है, मेरा कैमरामैन दिखाए तो सख्त सिक्योरिटी के हिसार बनाए गए हैं, वॉक थ्रू गेट भी है और जो वॉलंटियर लोग हैं वो सारे शनाख्ती कार्ड भी चेक करते हैं लोगों का। उसके अलावा दीगर जो है इनकी सारी चेकिंग करके जो है इन आजादारों को जुलूस में शिरकत के लिए जाने दिया जा रहा है। अगर जुलूस के साथ मौजूद है जो निगरानी कर रहे हैं, छतों पर जो है स्नाइपर भी तैनात कर दिए गए हैं और सीसीटीवी कैमरों की मदद से जुलूस की निगरानी भी की जा रही है। ड्रोन कैमरों पर पाबंदी है, मीडिया पर पाबंदी है, मीडिया ड्रोन के जरिए जो है वो कवरेज नहीं कर सकता। अलबत्ता जो पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर है वो जुलूस की निगरानी जो है हेलीकॉप्टर से कर रहा है मुसलसल। उसके अलावा मुख्तलिफ जो SPs हैं वो पुलिस के दस्ते लेकर जुलूस के आगे और पीछे तैनात हैं। मुख्तलिफ सड़कों पर जो है वो पुलिस का गश्त भी किया जा रहा है और रास्तों में जितनी टॉप रूप है वहाँ पे स्नाइपर जो है अपने ड्यूटी के प्राइस सरंजाम दे रहे हैं। उम्मीद की जा रही है नमाज दोहरा तकरीबन 1:15 के करीब जो है आलमगीर रोड पर पड़ी जाएगी, जिसके बाद जुलूस जो है नीली बार बाबा ग्राउंड सेक्रेटेरिएट से होता हुआ पुरानी अनारकली पहुंचेगा और खैमा सादात पहुंचकर नमाज मगरबैन जो है अदा की जाएगी। अगर बात करें सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी जो है वो जो मेजर निगरानी है वो CCTV कैमरों और फजाई निगरानी हेलीकॉप्टर की मदद से की जा रही है। जुलूस के रास्तों में मुख्तलिफ सबीलें भी लगाई गई है और लंगर का भी इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ किया जा रहा है। जी अच्छा, जुबैर साहब ये भी बताइएगा कि सिविलियन रजाकारों का तावन भी हासिल है कानून नाफिज करने वाले इदारों को तमाम तरह सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में? जी बिल्कुल, अवैध से जो सिविलियन है वो जो है रजा कराना तौर पर यानी वॉलंटियर तौर पर जो है अपने फ्राइज सरंजाम दे रहे हैं। खास तौर पर जो मुख्तलिफ स्काउट है, जो स्काउट के नौजवान जो हैं ट्रेन याफ्ता नौजवान जुलूस के आगे और पीछे जो हैं वो मौजूद हैं। हर एंट्री और हर एग्जिट पर जो है स्काउट के नौजवान मौजूद हैं जो चेक कर रहे हैं जुलूस के लोगों को और सख्त चेकिंग के बाद उन्हें भेजा जा रहा है। अहम बात यह है कि फीमेल सिक्योरिटी एहलकार जो है पुलिस की और रजा कराना तौर पर जो है वो भी इस जुलूस के साथ तैनात है, ताकि जो खवातीन आ रही हैं आजादार उनको जो है सख्त चेकिंग के बाद जो है जुलूस में जो है शामिल किया जा सके। जी जुबैर, हमें अपडेट करें लाहौर से, आपसे मजीद तफसीलात भी जाने